हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं मैंगो पिकल या आम का अचार। बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे और इसमें ढेर सारा मसाला होगा। बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार बनेगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों अचार खाना ज़रूरी है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगर आम नहीं हो तो अचार कैसे बनाया जाए। और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवाकर ने, जिन्होंने करीना कपूर को टशन फिल्म में जीरो साइज का फिगर दिया था, अपनी किताब में पिकल के बारे में क्या कहना है उनका। इसका मसाला थोड़ा मोटा मोटा कूटा हुआ ही अच्छा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर खरल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसे रुक रुक कर चलाएं ताकि मिक्सी में भी ये थोड़ा दरदरा ही पीसा जाए। यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की जड़ें लिया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। जिन लोगों को लहसुन से परहेज है वो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिना आम के अचार कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए आप आम की जगह बेबी अनियन का इस्तेमाल करें, या तो फिर काबुली चने को फुलाकर उसे बॉयल करके 80% तक धूप में सुखा लें और फिर अचार में इस्तेमाल करें। साथ में अचार में 2 टेबल स्पून सिरका डाल दें और 2 टीस्पून आप अमचूर पाउडर डाल लें, तो इससे भी रिजल्ट बहुत कुछ आम के अचार की तरह का ही आपको मिलेगा। तो ये थी एक हिकमत की बात। अब यहाँ पर मैंने अचार में 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी डाला। हल्दी कलर देगा और ये अचार का प्रिजर्वेटिव भी होता है। मिर्च आप अपनी पसंद से घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है, लगभग 100 ग्राम। ये कच्चा तेल है, इसे मैंने गरम नहीं किया है, और आप चाहें तो इसे गरम करके भी डाल सकते हैं, मगर अगर आम के अचार को 4 दिन तक कड़ी धूप में रखने की व्यवस्था है तो आप कच्चा तेल ही डालें। ये ज़्यादा मज़ेदार होता है और अचार की लाइफ भी इससे ज़्यादा अच्छी रहती है और अचार ज़्यादा दिनों के बाद भी फ्रेश रहता है। तो इस तरह से हम इस मसाले को तैयार कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब अचार के ख़ास मसाले की बारी है, यानी पाउडर मसाले की। ये मसाला घर में बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, ज़्यादा शुद्ध मसाला होता है। लेकिन अगर टाइम की क्राइसिस हो या कोई फर्स्ट टाइमर इसे बना रहा हो तो अचार का मसाला किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाता है, आप उसे भी लेकर 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून अजवाइन इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून मंगरेला जिसे काला दाना भी कहते हैं वो लिया है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। अब इन सब चीज़ों को हल्का सा टोस्ट कर लेना है। इसे इतना ही गर्म करें कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे जलना नहीं चाहिए वरना आपके अचार का कलर काला हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वो एक आम लिया है जिसका हमें अचार बनाना है। 2-4 स्लाइसेस को मैंने ग्रेटर में कस लिया है और बाकी को मैंने क्यूब की तरह से काट लिया है ताकि मसाला भी बन जाए और आम का टेक्सचर भी पता चले। अब इस कटे हुए आम को हमें एक जार में डालना है और गुठलियों को बाद के इस्तेमाल के लिए मैंने रख लिया है। तो देखिए, एक जार में इसे भर लेना है और ऊपर से हमें वो तेल वाला मसाला इस्तेमाल करना है, साथ में अचार का पाउडर मसाला भी मिला लेना है। तो बात हो रही थी कि अचार खाना हमें क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये मज़ेदार सा टेस्टी सा अचार जब आप अपने खाने पे रखते हैं तो आपके मुंह में पानी भर आता है, जिससे गुड हार्मोन्स बनते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव कर जाता है और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करती है। और कौन सा अचार, मार्केट वाला अचार नहीं जिसमें ढेरों प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल एसेंस होता है, बल्कि वो अचार जिसे नानी दादियाँ या मम्मियाँ घर में बनाती हैं। रुजुता दिवाकर अपनी किताब में कहती हैं कि ऐसे फर्मेंटेड अचार को खाने से हमारे गट में
अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, पनपते हैं, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमारी भूख बढ़ती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करती है। तो खाने में फर्मेंटेड अचार ज़रूर खाना चाहिए। सीजनल और लोकल अचार जो बनाए जाते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और हर घर में अचार बनना ही चाहिए और खाने में इस्तेमाल होना चाहिए, मगर ये बहुत ही थोड़ा सा चुटकी भर खाना चाहिए। तो ये तो रही टिप्स की बात। अब आपने देखा यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, मिला लिया है और ये वही एक आम का अचार है जिसे मैंने लगभग अपने 300 ml के जार को भर लिया है। अब इसमें तेल आप अपनी मर्ज़ी से डालें और जितना तेल हमने डाला है वो 2 दिन के बाद बिल्कुल उस ऊपर आ जाएगा और धूप में पकने के बाद ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार हो जाएगा। यूँ तो इसे अभी इंस्टेंटली भी खाया जा सकता है, चावल के साथ ये बड़े मज़े का लगता है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग भी हमारे डाइजेशन में मदद करता है और अचार को बिगड़ने से बचाता है, इसमें फंगस लगने से बचाता है। थोड़ा सा हींग डालना है, हींग इसका प्रिजर्वेटिव भी होता है। और अगर आप इसे नहीं डालना चाहती हैं तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। जब ज़्यादा बड़े बैचेस में बनाएं तो हींग इस्तेमाल करना बढ़िया होता है, डेली यूज़ वाले में आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से बातों बातों में ही ये अचार बनकर रेडी हो चुका है। ये अभी साल 2020 का अचार मैंने बनाया है और ये पहली शुरुआत है। मैं भी बहुत खुश हूँ और आप इसे बनाएंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे। इसे बनाएं, खाएं और पड़ोसियों को भी थोड़ा चखाएं। आप यकीन जाने ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। अचार में हम काफ़ी तेल और मसाला इस्तेमाल करते हैं और इस तेल और मसाले से भी काफ़ी कुछ डिशेस बनाए जाते हैं, ख़ास तौर से अचारी फ़िश, अचारी चिकन मटन, अचारी आलू। आप भी इस तेल और मसाले को इस्तेमाल करके अपने डिशेस को लाजवाब बना सकते हैं। शुरुआती 4-5 दिनों में आप अचार को कड़ी धूप में रखें, इससे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और बाय द वे अगर आपका अचार ख़राब होने लगे तो आप इसे माइक्रोवेव में हाई मोड पर 1 मिनट गर्म कर ले, अचार ठीक हो जाएगा। तो इस अचार को आप जल्दी से बनाएं और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें, हमें इंतज़ार होगा। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।